बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में लाई हूँ चिकन लज़ानिया की रेसिपी। तो चलिए सारी मैं अशिया आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 1/2 kg चिकन का कीमा ले लिया है, साथ ही मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए हैं, मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। इधर मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1 1/2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, साथ ही हमने ओरिगैनो ले लिया है 1/2 टीस्पून। ये हम खुशबू के लिए डालेंगे कीमे के अंदर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, मैंने इसे पील ऑफ करके सारे इसके बीज निकाल के तो हल्का सा मैंने इसे आंच के ऊपर हल्का सा इससे पका लिया है 5 मिनट, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। कीमे को पकाने के बाद फिर हमें डालना है, तो फिर इसका पानी जो है ना मैंने ड्राई कर लिया है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे, जो कि 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट कूटा हुआ अदरक है, और 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ लहसुन कूटा हुआ। अगर आपके पास पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून हम ब्लैक पेपर ले लेंगे, 5 टेबल स्पून हमने ले लेनी है कैचअप, साथ ही 1 टेबल स्पून मैं ले लूँगी सॉल्ट। तो इधर मैं ले रही हूँ लज़ानिया शीट, ये 1 पैकेट है। तो जब मैं बॉईल करती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। खुले बर्तन में आपने बॉईल करना है, ताकि ये शीट टूटे ना, और चम्मच आपने नहीं बार बार मारना इसमें। पानी बॉईल होगा तो फिर हम डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे पकाना है। तो पकाने के वक्त हमने इसमें 1 टेबल स्पून डालना है ऑयल। तो जब इसे हमने निकालना है तो फ़ौरन हमने टैप वाटर इसमें डालना है, ताकि ये ओवर कुक ना हो। उसके बाद ठंडा करके तो इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, ताकि ये शीट जुड़े ना। अगर आपने इसके ऊपर पानी ना डाला तो ये शीट्स कुक होती रहेंगी ज़्यादा, तो अगर आपने ऑयल ना लगाया तो साथ जुड़ जाएंगी। तो इधर मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून हमने डालना है सोया सॉस। ये मैं कब डालूँगी फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करके मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इस पर हमने डालना है 6 टेबल स्पून हमने ऑयल डालना है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, अच्छा प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको नरम कर लेना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर हमने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक कूटा हुआ, जो कि 1 1 टेबल स्पून है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक, हल्का सा इसे हमने फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छे से खुशबू आना शुरू हो चुकी है, अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। कीमा मैंने डाल दिया है, चम्मच की मदद से इसे प्रेस कर लेंगे, ताकि ये सेट हो गया है तो ज़रा अलग अलग हो जाए। जब मैंने इसका कीमा करके तो बर्तन में डाला है, तो उसी बर्तन में ये सेट हो चुका है। तो अब इसे हम इस तरह पका लेंगे। पहले इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डालनी है। पानी बॉयल हो चुका है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल। तो एक एक शीट करके हम डालेंगे। पानी उबल रहा है तो हमने जस्ट 4 से 5 मिनट हमने लज़ानिया शीट को पकाना है। तो अगर कोई टूट भी जाती है तो कोई इतना मसला नहीं है, आराम से डालें, ऐसे एक एक करके डालें, ताकि
ये खुद बहुत अंदर जाती जाए। तो अच्छी तरह मैंने इसे भून लिया। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून में डाल रही हूँ बस सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ हल्दी, 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ नमक, 1/2 डालेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अच्छी तरह हमने इसे भून लेना है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो कि 2 टमाटर थे मीडियम साइज का, तो मैंने इसे पील ऑफ किया, तो फिर इसे मैंने हल्का सा पका लिया। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह हमने पका लेना है। अब इसमें हमने डालनी है सोया सॉस, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। केचप डाल देंगे तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून, हमने केचप डाल देनी है, सिंपल केचप डालनी है अपनी हमने, और बिल्कुल ओरिगैनो, हम थोड़ी सी ओरिगैनो हर्ब डाल देंगे। ये एक हर्ब है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने 1/2 टी स्पून मैंने डाल दिया इसको। अच्छा, ज़्यादा आपने इसे ड्राई नहीं करना चीनी को, हल्का हल्का ये नरम नरम होगा तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा लज़ानिया में। ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना, सोसी सोसी हमने बनाना है इस चीने को। तो बस 2 मिनट में इसे भून लूँगी, तो फिर हमने फ्लेम कर देनी है ऑफ। इसके आके आपने नमक इसका चेक कर लेना है, मिक्स चेक करनी है, अगर कोई कमी पेशी है तो आप कर सकते हैं पूरी इस वक्त। कीमा रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ करूंगी इसे ठंडा करके, तो हम वाइट सॉस, चीज़ी वाइट सॉस रेडी करेंगे। तो अब बारी आ गई वाइट सॉस बनाने की। सबसे पहले हमने डालना है मक्खन, होममेड मक्खन है, तकरीबन मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया मक्खन, और साथ ही हम 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। आप जब भी मक्खन का यूज़ करें तो ऑयल ज़रूर डालें, क्योंकि मक्खन हाली डालने से मक्खन जल जाता है, तो आप इसमें ऑयल ज़रूर डालें। 3 टेबल स्पून ही ऑयल मैंने डाला है, और 3 टेबल स्पून के करीब है ये मक्खन। मक्खन को मेल्ट करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून मैदा। मैदा आपने छान लेना है, और हल्के हल्के हाथों से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, और लाइट सा आपने भूनना, इसका कलर चेंज नहीं करना, नहीं तो फिर वाइट साइज का वाइट सॉस की जो है ना वो एक अच्छी लुक नहीं आएगी, और जायका भी अच्छा नहीं बनेगा। बस आपने इसे अच्छा सा भून लेना है, ताकि अच्छी सी एक धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो फिर आपने इसमें डाल देना है दूध। 3 टेबल स्पून ही मैंने मैदा लिया है, और दूध की क्वांटिटी में डालूंगी 2.5 कप। 3 टेबल स्पून मैंने होममेड मक्खन लिया था, 3 टेबल स्पून ही ऑयल लिया है, और 3 टेबल स्पून ही मैं मैदा डाल के इसे भून रही हूँ वाइट सॉस के लिए, और 2.5 कप मैं फ्रेश मिल्क ले रही हूँ। क्वांटिटी आपने अगर इतनी बनानी है तो इतनी सही है, डबल बनानी है तो इसे आप डबल चीज़ें ले सकते हैं, अगर कम बनानी है तो फिर आप इसे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में चीज़ें डालें, ताकि आपकी वाइट सॉस उसी मिक्दार की बने। तो अगर आपको इस स्टेज पे मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो में शोर होता है, हमारे साथ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उस की वजह से काफ़ी शोर है, तो ये आपने इग्नोर करना है। तो अब मैं इसमें दूध डालती जाऊंगी। दूध हमने एकदम से नहीं डालना, हमने दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हल्का हल्का हम दूध डालते जाएंगे। विक्स की मदद से हमने इसे मिक्स करते जाना है, ताकि कोई गुठली ना रह जाए।
दूध थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए माई वाइट सॉस में। देखिए अच्छी सी स्मूथ सी मैंने कर ली है इसको। तो देखिए विक्स की मदद से मैंने अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो बाकी वाला दूध ही मैं ऐड कर दूंगी। दूध डालने के बाद फिर मैं सारी चीज़ें बताती हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ आपने डालनी है। आपने ज़्यादा थिक पेस्ट इसका सॉरी सॉस नहीं बनानी, सॉस हमने ज़्यादा थिक नहीं बनानी। इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर जो कि 1 टेबल स्पून है, साल्ट डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, ओरिगैनो डालूंगी 1 पिंच के बराबर और इसको हमने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा थिक नहीं रखनी हमने, थिन रखनी है। अब इसमें मैं थिक वाली क्रीम डाल दूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। अल्पर की ये टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, आप कोई सी भी अच्छी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। इसे हल्का सा हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम 3 से 4 टेबल स्पून भर के चीज़ के डाल देंगे। ये चेडर और मोज़रेला चीज़ है, 2 टेबल स्पून। इसे हम हल्का सा मेल्ट करेंगे तो इसके बाद हमारी वाइट सॉस चीज़ी वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, ज़्यादा पकाना नहीं, बस ये मेल्ट होगी तो फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो चलिए जी, वाइट चीज़ी सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि कितनी आपने रखनी है। ये देखिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं रखनी। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी थिक होगी तो मैं फ्लेम ऑफ करके, तो अब हम असेंबल करते हैं अपनी लज़ानिया रेसिपी को। तो चले जी, लज़ानिया शीट को मैंने बॉईल किया था। बॉईल आने के बाद मैंने 1 चम्मच डाला ऑयल और 4 मिनट मैंने इसे बॉईल करके पानी डाल के, तो फिर इसे सारा ऑयल लगा दिया। अगर ऑयल ना लगाएं तो ऐसे रखें तो चिपक जाती हैं, ऑयल आपने ज़रूर लगाना है। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं। तो चलिए, लज़ानिया वाला बर्तन हमने ले लिया है। तो सबसे पहले हमने वाइट सॉस 2-3 चम्मच नीचे हमने स्प्रेड करनी है ताकि शीट हमारी जले ना। स्पैचुला की मदद से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। अगर ना लगाया तो फिर शीट साथ लग जाती है। बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून आपने लगा देनी है। और अब हम लज़ानिया शीट उठाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़े आसानी से उतर जाएंगी जब आपने अगर ऑयल लगाया होगा। अगर ये चले, ये अगर ज़्यादा है तो आपने फिर इसे फोल्ड कर देना है। इसी तरह हम सारी लज़ानिया शीट रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, इसके ऊपर थोड़ा सा फिर हम वाइट सॉस डालेंगे हल्के हल्के हाथों से। ऐसे हमने स्प्रेड कर देनी है। फिर इसके ऊपर हम रखेंगे कीमा जो हमने चिकन का तैयार किया था। ऐसे ऐसे हमने रखते जाना है। सारा हमने कीमा भी स्प्रेड करते जाना है। थोड़ी सी आपने इसमें चीज़ डालनी है, आपका दिल है तो आप इसमें डालें वरना आप ऊपर डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून डालूंगी चीज़। अब फिर हमने इसमें लज़ानिया शीट रखते जाना है। स्टेप बाय स्टेप सारी लज़ानिया शीट हम ऐसे ही रखते जाएंगे। तो चलिए, ऐसे ही मैंने असेंबल कर लिया है। अब मैं तीसरी तह लगा रही हूँ लज़ानिया की। 9 लज़ानिया शीट मैंने बॉयल की थी। जो हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा आपने उसे फोल्ड कर देना, वेस्ट नहीं करना। अच्छी तरह आपने सारा कीमा असेंबल कर देना है, इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है।
इसके ऊपर हम चीज ऐड करेंगे। चीज मैंने ली है चेडर और मोजरेला चीज, तकरीबन मैंने 1-1 कप दोनों ले लिए हैं। बाकी आपने डालनी है। तो चलिए चीज मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब मैंने एक स्मॉल साइज की शिमला मिर्च ली थी ताकि अच्छी तरह मैं डेकोरेशन इसकी कर सकूं। बारीक सी मैंने काट लिया है, इसको डाल देंगे। शिमला मिर्च मैंने रख दी है। अब मैं लूंगी ब्लैक वाले ऑलिव्स, आपके पास अगर ग्रीन है तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं ब्लैक वाले ले लूंगी। चिली फ्लेक्स ले लूंगी 1/2 टीस्पून, मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपने ओरिगैनो डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डालना, मेरे बच्चों को ये फ्लेवर पसंद नहीं है ओरिगैनो का। मैंने 2 दफ़ा डाला है तो फिर ज़्यादा हैवी टेस्ट आता है तो फिर वो पसंद नहीं करते। अगर आपको पसंद है तो आपकी चॉइस। तो अब मैं इसे बेक करूँगी। देखिए अभी से इसकी लुक इतनी अच्छी लग रही है। तो मैं अब प्री हीट करने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है 1/2 घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया प्री हीट करने के लिए रख दिया। तो अब मैं इसे रखूँगी तकरीबन 30 से 45 मिनट में ये अच्छी तरह इसका कलर आ जाएगा। हर चीज़ कुक है, बस हमने इसकी चीज़ को ही कलर देना है। तो चलिए आइए हम रखते हैं। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैंने रख दिया है, अब यह कवर करूँगी। तो फिर हम 20 मिनट के बाद देखेंगे अगर और इसे बेक करना हुआ। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगी, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलें 35 मिनट हो गया, मैं बेक कर रही हूँ लज़ानिया को। तो अब बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। तो मैं आप निकाल के इसे मैं 15 मिनट के लिए रखूँगी, फ़ौरन आपने सर्व नहीं करना। 15 मिनट के बाद इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए जी, अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ काट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने नाइफ की मदद से कटिंग करनी है, फिर आपने लज़ानिया चम्मच के साथ आपने इसे फिर उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, कितना ये टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़े का है। तो देख सकते हैं आप, चीज़ी चीज़ी बना है। तो मैं अब आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। वाकई भी माशाल्लाह, वाकई ने बहुत ही लाजवाब बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी लज़ानिया की वीडियो कैसी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए अब इजाज़त दें, दुआओं में मुझे याद रखिए। कल एक अच्छी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।